हाँ जी, तो वेलकम बैक एक बार फिर टीचवीज़ा पंजाबी ते। उम्मीद करदा कि तुसी ठीक होवोगे। अज दी वीडियो साडी होएगी कोकरलैंड दे उत्ते, कोकरलैंड दे वीज़े दे उत्ते। पाकिस्तानी इंडियन कोकरलैंड वीज़ा लैके या वीज़ा फ्री किंज पहुँच सकते ने। कोकरलैंड दी और इनफॉरमेशन देंगे कि केरी जबान यूज होंगी है, केरी करंसी यूज होंगी है, ते कोकरलैंड तो की असी न्यूजीलैंड बाय बोर्ड जा सकने हैं या आस्ट्रेलिया बाय बोर्ड जा सकने हैं। इस वीडियो दे विच ही तुहानू दसांगे। वीडियो नू एंड तक जरूर तक यो नवे हो तो चैनल टीच वीज़ा पंजाबी नू सबसक्राइब करो। तो कोई भी सवाल थले कमेंट बॉक्स दे विच सानू दसो। हाँ जी, तो सबनों पहला कोकरलैंड की गल करने हैं कि कोकरलैंड इस टाइम कित्थे वाकिया है। कोकरलैंड बिल्कुल समुद्री जजीरा है, जिन्हें जो ना तो पता लगन दिया कोकरलैंड आयरलैंड टैप है। तो न्यूजीलैंड तो गल करिए, न्यूजीलैंड तो तकरीबन 3200 किलोमीटर दूर है। न्यूजीलैंड तो कोकरलैंड दरम्यान जरा फासला है ना, वह 3200 किलोमीटर है। पाकिस्तानी ते इंडियन वास्ते कोकरलैंड जाने वास्ते किसी किस्म के वीज़े की लोड़ नहीं है। वीज़ा फ्री जाओ, तुहानू किसी किस्म की कोई भी पुछगिछ नहीं होनी है, बिल्कुल वीज़ा फ्री है। पाकिस्तानी इंडियन वास्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सिटीजन वास्ते कोकरलैंड जिहड़ा वह वीज़ा फ्री ऑफर करता है। 31 दिनों तक तुसीं कोकरलैंड विदाउट वीज़ा रह सकते हो। कोकरलैंड की इनफॉरमेशन की गल करिए, कोकरलैंड जिहड़ा वह अंग्रेजी जुबान ते एक होर उन्होंने मालवी जुबान है वह बोली जाती है। करंसी की गल करिए, जिहड़े पैसे यूज होंदे ने वह न्यूजीलैंड का डालर ते इन्हां दी अपनी एक करंसी है वह यूज होंदी है। यह दोवें करंसियां जिहड़ियां ने तकरीबन सेम ही ने। जो न्यूजीलैंड का रेट है वह ही इहदा रेट है। एक न्यूजीलैंड डालर होए या कोकरलैंड का डालर होए तो वह इंडिया के तकरीबन 48 रुपये बनते हैं, तो पाकिस्तान के तकरीबन 109 रुपये बनते हैं। कोकरलैंड जरा वैदर है वह नॉर्मल वैदर होंगे, ना इन्नी ठंड होंगी है तो ना इन्नी गर्मी होंगी है। 12 महीने तकरीबन एक ही मौसम जरा चलता, ना ठंड तो ना गर्मी, नॉर्मल जहा मौसम होंगे। मेन गल करिए, न्यूजीलैंड जा सकते हो तुसी कि नहीं, आस्ट्रेलिया जा सकते हो कोकरलैंड कि नहीं, बाय शिप जिहड़ियां वड्डियां शिपां होंदियां ने उन्हां ते बह के तुहाडा दा लग जी या कोई एजेंट लभ जे तुसी जा सकते हो, उंज तुसी नहीं जा सकते। गल करिए पाकिस्तान इंडिया तो कोकरलैंड किंज जाओगे। कोकरलैंड जाण वास्ते तुहानू इंडोनेशिया का जरा वीज़ा वो रिक्वायर्ड होएगा, क्योंकि इंडोनेशिया तो तुम कोकरलैंड जी फ्लाइट है वह लै सकते हो। तकरीबन हफ्ते के मैं एक फ्लाइट जाती है बुध वाले दिन, तो वो जी टिकट होएगी वह आई थिंक कन्फर्म नहीं मैं कह सकता, तुम ऑनलाइन नैट तो सर्च कर सकते हो। तकरीबन जी फ्लाइट है वह 4 to 5 lakh के ईजीली थानू पै जानी है इंडोनेशिया तो कोकरलैंड की। तो जाने वास्ते तुहानू किसी भी विचली कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होंदा, क्योंकि बिल्कुल घट या स्टे होंदा है या न्यूजीलैंड होंदा है या आस्ट्रेलिया होंदा, उहदे लई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होंदा, क्योंकि तुसीं अगे कोकरलैंड जाते होंगे हो, उहदे वास्ते वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। उंज तुसीं होर किसी कंट्री जाते होवो तो फिर वीज़ा रिक्वायर्ड होंदा है। सोमो आयरलैंड हो गया, बोतसवाना हो गया, या किसी होर कंट्री जाते हो तो फिर तुहानू वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा जिहड़ा आस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का जिहड़ा ट्रांजिट वीज़ा वह फिर रिक्वायर्ड होएगा। कोकरलैंड दे विच पाकिस्तानी इंडियन कम्यूनिटी की गल करिए तो तकरीबन है ही नहीं है, बहुत ही घट, एक या दो पाकिस्तानी या इंडियन तुहानू लभेगा, बिल्कुल है ही नहीं है। उत्थे ज़्यादातर जिहड़े ने अमरीकन रहिंदे ने। कोकरलैंड दे पासपोर्ट की गल करिए तो इहदा पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट है। अमेरिका तुसी वीज़ा फ्री जा सकते हो। यूरोप जिहड़ियां कंट्रियां ने, जिन्हियां भी यूरोप दियां कंट्रियां ने, उत्थे तुसी वीज़ा फ्री जा सकते हो। अफ्रीका दे विच तुसी वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। पाकिस्तान इंडिया आने वास्ते तुहानू ई वीज़ा रिक्वायर्ड हुंदा जिहड़ा तुसी ऑनलाइन हासिल कर सकते हो। तुर्की, ईरान जिन्नी भी गल्फ कंट्री ने उन्हें जाण वास्ते तुहानू जिहड़ा ना वह वीज़ा ऑन अराइवल की जरूरत होएगी, जिहड़ा तुहानू एयरपोर्ट के उत्ते लभ जाएगा। बाकी आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन्हां जाने वास्ते तुहानू वीज़ा जिहड़ा ना
ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਾਰਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਕਾਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਕਾਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਟੀਚ ਵੀਜ਼ਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਟੀਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ, ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਟੀਚ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਪੇਜ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।